अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब वग़ैरह भी खैरियत से होंगे। जो आज मैं आप तमाम दोस्तों के लिए ट्रैक्टर लेकर आया हूं, मैसी फर्गूसन का 385 जी 385 2011 मॉडल जी। कंडीशन आप चेक कर लें, ये शो आपको दिखा दें, ये टायर चेक कर लें, आगे वाले न्यू टायर हैं, रिम वग़ैरह बेदाग साफ, और बाकी आप ये शो चेक कर सकते हैं जी। ये इसकी अपनी शो है जेन्युइन, ठीक है। और ये आप चेक कर लें, इसकी चेसी वग़ैरह जी बेहतरीन कंडीशन में। ये टायर आपके सामने तकरीबन आधे टायर होंगे गाड़ी के, ठीक है। मॉडल आपको दिखा दें, ये इंजन ज़बरदस्त अच्छा इंजन है, गाड़ी मौके पर आपको सेल्फ स्टार्ट। ये मॉडल 2011, टायरों की कंडीशन आप देख लें, चेक कर लें। और ये रिम प्लेटें लगी हुई हैं, और किसी ने इसको थोड़ा सा पेंट भी किया, ठीक है। रिम वैसे बेदाग हैं, कोई डैमेज वग़ैरह नहीं है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हम आ गए पीछे, टूपे आप चेक कर लें, अगर कहा जाए तो हल्की फुल्की हो सकता है टचिंग हो इसमें पुरानी, ठीक है, वैसे महसूस नहीं होता। बहरहाल अगर आप चेक करें तो थोड़ी बहुत या हल्की फुल्की टचिंग हो सकती है गाड़ी में, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हो ये जेन्युइन टोटल, लेकिन हल्की फुल्की टचिंग गाड़ी में हो सकती है। ये आप चेक करें, लैंके बेदाग हैं, साफ़ हैं, ठीक है। टूपे वगैरह आप चेक कर लें, और इसके साथ जो है छत लगी हुई है, ये देखें, ये डब्बा है टेप का, ये टेप भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। ये स्पीकर आपको आगे से दिखाते हैं, टेप डब्बा साथ में मिलेगा अगर कोई भाई इसे ख़रीदना चाहता है। ये बराए फ़रोख्त है, 2011 मॉडल है जी। आप ये दूसरा रिम चेक कर लें, और ये कंडीशन, हाँ ये आपको डब्बा दिखा लें, ये डब्बा है, ये साथ में मिलेगा, टेप आपको साथ में मिलेगी। असम्बली हो सकता है मालक उतार लें, ठीक है, और ये लकड़ी का डब्बा भी वो बोल रहे थे हम उतारेंगे, और वो भी, बाकी टेप डब्बा साथ में मिलेगा, छत फैबर की अच्छी कंडीशन में ये साथ में मिलेगी, ठीक है। और ये आप चेक कर लें, मौके पे ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, इंजन अच्छा है, किसी भी किस्म का कोई भी काम होने वाला गाड़ी में नहीं है। इसके पल्ले जो हैं ये उतार के रखे हुए हैं, वो आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई भाई इसे ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है जी। ये अब आपको मैं ये बता दूं, ये गाड़ी 2011 मॉडल है, लोकेशन इसकी ज़फ़रवाल है, ज़िला नारोवाल की तहसील है। जो लोग दूर के हैं नहीं पता, वो देख लें कि ज़िला नारोवाल है, ज़िला नारोवाल की आगे से तहसील है ज़फ़रवाल, ठीक है, वहाँ पे ये गाड़ी है ज़मींदार के पास। और जो इसकी डिमांड की जा रही है वो डिमांड है तकरीबन 12 लाख इस गाड़ी की जो डिमांड है 19,90,000 रुपये, ठीक है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, डिमांड जो इस गाड़ी की है वो 19,90,000 है मालकों की, बाकी जो कमोपेशी होगी वो मौके पर होगी। और इसकी जो पेपर हैं वो ओपन पेपर हैं, खुले हुए जी, नंबर नहीं लगा हुआ। मैं आपको ये बताता चलूं, इसका नंबर नहीं लगा हुआ, कैश के ओपन पेपर आपको मिलेंगे, छत मिलेगी साथ में, डब्बा मिलेगा। देखो छत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाई गई है कि कहीं से भी ये हिले जुलेगी नहीं, कि इसको सपोर्टें लगाई गई हैं, ठीक है। बाकी आप चेक कर लें, अगर कोई भाई शौक़ रखता है ख़रीदना चाहता है तो वह जल्दी से रब्ता करें 0301-216-2424 पे, या 0332-86-44-727 वाले नंबर पर रब्ता करें। अगर आप 12 मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी 12 उसी मालिक के पास है, ठीक है। ये आप चेक कर लें, आपको पहले भी शायद आपको वीडियो देखी होगी, इसके साथ आने टायर हैं, सेल्फ स्टार्ट है मौके पर जी। ये भी आप चेक कर सकते हैं गाड़ी को जी, हुक इसके साथ नहीं है, ये टोटल जेन्युइन है, इसका कहीं पे भी कोई भी
कोई मसला मसाइल नहीं है, बेदाग है, इंजन अच्छा है, सेल्फ स्टार्ट है, मौके पर गाड़ी आपको मिलेगी ये जी। ये चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी की जो प्राइस है मालकों की वो प्राइस 20 लाख रुपए है, बाकी कमो पेशी मौके पर। इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है और छत लगी हुई है, छत भी लगी हुई है, नंबर भी इस गाड़ी को लगा हुआ है, ठीक है। बाकी दोनों गाड़ियां ज़बरदस्त हैं, वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, दोनों एक ही मालिक की गाड़ियां हैं। अगर कोई भाई ख़रीदना चाहता है तो वो जल्दी से रابطہ करें, नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। इसकी प्राइस 20 लाख रुपए है, उसकी 19,90,000 रुपए है, बाकी कमो पेशी जो भी होगी वो मौके पर होगी। आप गाड़ी चेक करें, गाड़ी को ख़रीदें, फिर इंशाल्लाह जो है ना अपना रेट बनाएँ। बाकी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।